अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारे यूरेशियन कॉलर डब के हवाले से। जो आपको याद होगा मेरे पास एक म्यूटेशनल टाइप का यूरेशियन कॉलर डब का मेल था, उसकी पिक्चर भी मैं आपसे शेयर किया देता हूँ। उससे याद होगा मेरे पास चार बच्चे आए थे। बी वन फ्रोस्टी फीमेल थी मेरे पास। उसकी पेयरिंग मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में लगाई हुई हैं, आपने देखी होंगी यकीनन। और उन चार बच्चों में से ज़्यादातर यही चांसेस लग रहे थे कि चारों मेल हैं। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था पिछली वीडियोज़ में कि शायद वो चारों मेल हैं। दो उनमें से फ्रॉस्टी बने थे और दो वाइल्ड टाइप बने थे, जंगली टाइप कलर के। और लेकिन डीएनए टेस्ट करवाते करवाते बस मैं रह गया, नहीं करवा सका। और इसी समय में, मतलब यूँ कह लें कि दो साल बीत गए और अब कंक्लूजन ये बनी है, मतलब ये रिज़ल्ट दिखने में सामने आया है कि दो फ्रॉस्टी तो कन्फर्म हमारे मेल ही थे। B2 फ्रॉस्टी यूरेशियन कॉलर डब में अब हमारे पास B2 मेल्स हैं, और उसमें वाइल्ड टाइप में एक मेल है B2 और एक B2 में फीमेल बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह से। इस सीज़न मैंने फिर उसको केज में पेयर किया, पेयर नहीं बन पा रहा था, मेल बहुत ज़्यादा मारता था। जो म्यूटेशनल टाइप का हमारा यूरेशियन कॉलर डब का जंगली ही मेल है, जो ख़रीदा था पेट शॉप से, पट्ठा था और उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, मट्टी टाइप का। उसका कॉलर रिंग ब्लैक की बजाय ग्रे है और उसका जो है फ्लाइट फैदर्स भी ब्लैक की बजाय ग्रे टाइप, स्लेटी टाइप के हैं। बहरहाल उन्हीं की ये बेटी जो इस टाइम नेस्ट में बैठी है, इसने बच्चे दिए अल्हम्दुलिल्लाह से, अंडे दिए और फर्टाइल हुए बहुत बेचैनी से जाके, मतलब यूँ कह लें कि 16 से 17 दिनों बाद जाके अंडों से बच्चे निकले। प्रोसीजर तो 14 दिन का होता है, लेकिन वो उसने इनक्यूबेशन लेट स्टार्ट की होगी, जिसकी वजह से बच्चे बनना भी लेट स्टार्ट हुए। और अभी इस टाइम तो ये डर नहीं रही, लेकिन वैसे तो इसका फीमेल का बिहेवियर बहुत जंगली है, डरती है। बस बच्चों की गर्ल्स से वो मुझे देखने नहीं दे रही। ये बच्चे अभी कल ही हैच हुए हैं, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद। और दोनों बच्चे समझ में तो ऐसे लगते हैं जैसे जंगली ही हैं, लेकिन ना ये जो नोज पिन जो पॉइंट होता है ना इनका, ये चोंच के पास ये निशान मार्किंग इनकी डार्क होनी चाहिए। यहाँ पे डार्क नहीं है मार्किंग, शायद मुमकिन है कि अपने बाप पे जाए म्यूटेशनल टाइप पे। अब स्किन से तो अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये म्यूटेशन वाले पीसीज हैं कि नहीं हैं, और अब देखें इनके पर आएंगे तो पता लगेगा ये क्या चीज़ें हैं। बहुत बेचैनी से मज़ीद 7 से 8 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। 7 से 8 दिन भी क्या, इससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो ये है जी अपडेट। अब मदर बेचैन है नेस्ट पे आने के लिए। लगा देते हैं नेस्ट। तो जब इनके फैदर्स शेदर्स आएंगे देन आप लोगों को अपडेट करेंगे। और थोड़े मैं इसमें वो वीडियो भी अपनी पुरानी वीडियो में से अपनी वो इसकी वीडियो भी अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में, म्यूटेशन वाले पीस की। माजरत, शोर बहुत ज़्यादा है रा फीमेल का, वो बोलती कुछ इस तरीके से, अजीब तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, ये इसका मेल बैठा हुआ है, इसके
प्राइमरी फ्लाइट चेक करें, ये रंग चेक करें, काला होने की बजाय सरमई से सलेटी से रंग के हैं। इसका रिंग चेक करें, कॉलर रिंग वो भी सलेटी से रंग का है, ब्लैक नहीं है। परों का रंग चेक करें, मट्टी से रंग का है, जंगली जैसा रंग गहरा नहीं है। ये है मेल। अब पता नहीं ये अपने बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र कर पाता है कि नहीं, ये अब रिज़ल्ट आने पे ही पता लगेगा, इनके चिक्स जब बड़े हो जाएंगे। अभी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।